वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हां जी, ये जो पहला बीज मंत्र है इसका शुद्ध उच्चारण करना है, जिस तरह किया गया है। पहला उच्चारण करना है एक, फिर बोलना ओंकार। कई इसका उच्चारण एकमकार करते हैं या एक ओंकार करते हैं, जिन्होंने संथ्या नहीं की है वो इस तरह उच्चारण करते ने। जिहड़ा बिल्कुल अशुद्ध है जा एक ओम उच्चारण करते हैं, पर गुरबाणी दे विच भी महाराज ने इसका उच्चारण सानू बीज मंत्र का दसिया है। जिवें ओंकार बाणी है उहदे विच भी महाराज दे बचन हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिनचित। यानी जिहड़ा ओंकार उच्चारण करना है एक उड़ा खुले मुंह वाला उड़ा उच्चारण करना है, बंद मुंह वाला उड़ा नहीं उच्चारण करना। बावन अखरी दे विच भी जिहड़ी भगतां दी बाणी दे विच बावन अखरी है उहदे विच भी इह उच्चारण है, ओंकार आदि मैं जानना लिख हर मेटा ताहि न मानना। दसम ग्रंथ दे विच भी दसवें पातशाह महाराज जी दी बाणी दे विच भी ਇਹ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਓਅੰਕਾਰ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸੋ ਧੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕੱਕੇ ਕੰਨਾਂ रारा उचारण करना है, इकट्ठा ही बोलना है। पहला बोलना है जिहड़ा एक, यानी जिहड़ी गणित विद्या दा एका है इसका उचारण एक करना है। कई इसका उचारण एक कर जांदे हन, एक भी अशुद्ध उचारण है। ईड़ी सियारी कक्का एक। दूसरा उचारण करना है ओंकार, इस तरह शुद्ध बोलना है। संपर्दा दे विच इस तरह शुद्ध उचारण दसिया जांदा है एक ओंकार। फिर अगे है सत नाम, ये भी सतनाम नहीं कहना है, कई कट्ठा ही बोल जाते हैं सतनाम। जिहड़ा सत पद है ये थोड़ा जा कस के उच्चारण करना है, सत नहीं कहना है, सत नाम। अते अगे है करता पुरख, ये भी वक्रे वक्रे पद उच्चारण करने हैं। करता वक्रा बोलना है, पुरख वखरा बोलना। कई बार खखा रह जांदा, पुरख ही कह जांदे हन, खखा शुद्ध उच्चारण करना है पुरख। इस तरह दो दो पद उच्चारण करने हन। निरभौ निरवैर, ये भी निरभौ वखरे वखरे नहीं बोलने पद, ये पद इकट्ठा ही बोलना है। निरभौ निरवैर, कई निरभौ कह जांदे हन, भब्बे हूड़ा ला देंदे हन, पर भब्बा ऊड़ा बंद मूंह वाला थले औंकड़ लगी है, इहदा उच्चारण है निरभौ निरवैर। अकाल मूरत, अकाल मूरत जेड़ा पाठ है ये संपर्दा दे विच दमदमी टकसाल विच इकट्ठा कराया जांदा है। जेड़ा लिखिया वखरा पर पाठ इकट्ठा ही करना है। अकाल मूरत, कई तत्ता छड़ जांदे हन, अकाल मूर्त कह देंदे हैं। शुद्ध तत्ता उचारण करना है, शुद्ध पद उचारण करना है अकाल मूर्त। अजूनी सह भंग, अजूनी वखरा बोलना है, कई अजूनी सह बोल जाते हैं, अजूनी सह भंग उचारण कर देंदे हैं। अजूनी वखरा बोलना है, सह भंग इकट्ठा कहना है, सह भंग नहीं कहना है, सह भंग ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਗਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਹਿ ਭੰਗ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜੂਨੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਹਿ ਭੰਗ। ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਕੀ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋ, प्रसाद का अर्थ है आनंद स्वरूप हो वाहिगुरु जी। और प्रसाद का जिहड़ा उचारण है ये पप्पे दे हेठां चरणा च रारा है,
इसका उचारण प्रसाद करना है। फिर आप जी गुरबाणी जो दर्शन करोगे बहुत थावां ते रारा पूरा भी आंदा है, उसका उचारण है प्रसाद। हेठा रारा जिहड़ा बोलना है उसनू कहना है प्रसाद। शुद्ध उचारण है गुर प्रसाद। जाप, जाप पद जिहड़ा है ये भी कई जप कस के बोल जांदे हन, उचारण पोला ही करना है जाप, यानी जपने योग हो वाहिगुरु जी, आप जी नू जपना चाहिदा है, जप बाणी दा नाम है। अगर असी जप कस के बोलांगे तां इहदा अर्थ हो जाएगा खाना, जिवें आसा राग दे विच वी सतगुरु साहिब जी दे वचन हन, जपिए नाम जपिए अन्न। जपिए पहला जपिए पद पोला है, नाम जपना चाहिदा है, अते जपिए अन्न दा अर्थ है वी अन्न खाना चाहिदा है। और इस तरह यानी ये पोला उचारण करना जाप, जप नहीं कहना है। आद सच जुगाद सच, हांजी सच भी कस के बोलना है, आद सच जुगाद पद भी थोड़ा जा कस के उचारण करना है, और जज्जा शुद्ध बोलना है, युगाद नहीं कह देना, कई यया ही ला देंदे, इसनु थोड़ा जा कस के बोलना है जुगाद सच। है भी सच, है भी वखरा बोलना है, भी भी वखरा बोलना, कई अनजान हैप्पी कह जांदे हन, पप्पा ला जांदे हन, पर वखत शुद्ध उचारण है भी सच। नानक होसी भी सच, ये भी नानक पद ते यमक ला के उचारण करना है, नानक यानी थोड़ा जा रुक के, नानक होसी भी सच। भी सच नहीं कहना है, भी सच कोई पाठ नहीं है, होसी भी इत थोड़ा जा ठहरा दे के फिर नखेर के बोलना है सच, नानक होसी भी सच।